जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्या 35 मीनापुर से राकेश कुमार यादव के चुनाव चिन्ह अंगूर के गुच्छा छाप। देखिए, इससे पहले हम लोगों का जिला परिषद में मिथिलेश यादव थे, लेकिन विकास का काम यहाँ कुछ नहीं हुआ, कोई विकास नहीं, दर्शन भी नहीं दिए, जीत के जाने के बाद लौटते भी लोग नहीं। तो इस बार क्या आप लोग चाह रहे हैं? देखिए, अमरी बार हम लोग चाह रहे हैं कि उनको बदलाव करें और हम अपना डॉक्टर साहब को, कौन डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब राकेश अंगूर छाप। अंगूर छाप, अंगूर छाप। तो आप लोग इनमें क्या खूबी देखने को मिला है कि आप लोग सपोर्ट करने जा रहे हैं? इनमें खूबी हम लोग ये देखे हैं कि ये जो हैं कि शुरू से हम लोगों का साथ है। हम लोग किसान हैं, मवेशी रखते हैं, मतलब हम लोगों का हर चीज़ का सुविधा है, इसलिए आप लोग सपोर्ट करने जा रहे हैं? सपोर्ट हम लोग करने जा रहे हैं। हम लोगों का भरोसा है कि आगे भी हम लोगों का सपोर्ट इनसे मिलेगा। आपका नाम क्या हुआ? गिरीश राय। राकेश जी के बारे में हमको सब मवेशी पोसते हैं, मवेशी को उनको खाद के हमको उसके माल सब कुछ है, तब हुए बेचारे का हम सब अपना अपना मदद करते हैं उसको। क्या इससे पहले जो भी कैंडिडेट थे विकास के काम नहीं किए? नहीं किए, हम सबको खोजू नहीं कही आया। तो इस बार आप लोग सपोर्ट करने जा रहे हैं? हम सब सपोर्ट करते हैं, जो राकेश डॉक्टर देंगे तो देंगे। राकेश जी के हम लोग सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं जो कि कहने का मतलब है जो कि दुख सुख सब में मेरे हैं। जो पिछले बार हम लोग के थे वो हम लोग के कभी दर्शन भी नहीं दिए और फिर भी वही निकले हैं, तो फिर हम एक बार गड्ढा में गिर गए, दोबारा भी गिरने जाए, इसलिए हम लोग उनको नहीं चाहते हैं, राकेश जी को चाहते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शिवजी राय। राकेश जी का कहने का चाहते हैं तो अगला बार जिला परिषद रहा मिथिलेश यादव तो 5 साल तक दर्शन नहीं दिए, है ना। यहाँ से ठीक से अभी कोनो बच्चा 10 साल के है तो वो चिंता है उसको, चिन्हबो नहीं निकलता। बच्चा बच्चे हैं का, 5-10 साल का बच्चा है, वो भी पहचानते हैं। राकेश जी के सपोर्ट हम की करने जा रहे हैं, उधर डॉक्टरी कर रहे हैं, आज जखनी बुलाते हैं तखनी आते हैं, रात बिहार सब आते हैं। आपका नाम क्या हुआ? विश्वनाथ है। राकेश जी के दुख सुख सब में हाजिर है। जो हम लोग के अगला 15 साल या 20 साल गुजर गए, कभी लौट के नहीं आए, दर्शन भी नहीं दिखाए, तो उनको पक्ष हम लोग अमरी बार छोड़ दिए, जो कि राकेश कुमार को हम लोग साथ देने के लिए चाह रहे हैं। तो राकेश जी अगर जीत के आ रहे हैं तो क्या विकास के काम करेंगे? करें या न करें, फिर भी उनका हम सब गौछ लिए कि हाँ वो करेंगे, दिखाएंगे, जहाँ भर उनको कुबत होगा वो करबे करेंगे, उन्हीं का गछा जाए। जो हम लोग के लिए 15-20 साल में कुछ नहीं किया, तो उनका साथ दिलहा कौन फायदा है? अरे विकास से कदम कुछ नहीं हुआ। तो क्या इस बार क्या आप लोग चाह रहे हैं? तो परिवर्तन है, परिवर्तन का लहर है। क्या जीत के आएंगे तो क्या विकास के काम करेंगे? बिल्कुल विकास के काम करेंगे। अपना परिचय क्या हुआ? मेरा नाम देवेंद्र पासवान हुआ। कहाँ? डोरवाना। राकेश कुमार यादव। जनता को क्या कहना चाह रहे हैं? जनता से हम हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप जो भी कैंडिडेट को वोट दे चुने वो विकास करे, न कि अपना विकास करे, यही अपील करता हूँ जनता से। हम मवेशी डॉक्टर हैं, तो कभी भी किसी भी समय लोग हमें खोजते हैं, वहाँ हम पहुँच जाते हैं, चाहे रात हो या दिन हो, किसी भी समय हमें लोग फोन किए हैं, हम उस समय पर पहुँचे, जनता के सेवा किए हैं, जनता का सेवा किए हैं। यानी रात में भी आप जाते हैं? 10 बजे रात हो, 12 बजे रात हो, 3 बजे भोर हो, जिस समय फोन बज गया मैं उसी समय पहुंचा हूँ, करना मेरा एक उद्देश्य बन गया है। तो क्या आप जीत के आइएगा तो क्या विकास के काम कीजिएगा? विकास तो करेंगे ही, आज तक हम देखें जो जिस पद पर हम चुनाव लड़ रहे हैं उस पर आज तक एगो शिलान्यास अगर दिख जाए तो कहिए, वही तो देखना है हमें कि इसमें जिला परिषद में कुछ आता है या नहीं आता है, इसीलिए हमने ठाना है कि देखना है इसमें कि क्या इसमें क्या क्या योजना आता है और जनता के पास पहुंचाना है। जो आज तक नहीं हुआ है वो हमें करना है।
इस बार जनता को संदेश देना चाहते हैं छठ पूजा को लेकर? छठ पूजा की सभी माता और बहनों से मेरा निवेदन है कि शांतिपूर्वक उत्साह के साथ छठ पूजा मनाया जाए। हार्दिक अभिनंदन है। कौन पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? जिला परिषद क्षेत्र संख्या 35 मीनापुर। आपका छाप कौन सा है? अंगूर छाप है, 9 नंबर पर, अंगूर के गुच्छा छाप 9 नंबर अंकित है। अंकित है। जो आपको दिखाता है सच का आईना।